यमुनानगर में कल जहरीला पदार्थ खाने से हुई 18 वर्षीय जिशान की मौत के बाद हुआ तनाव आज 20 घंटे बाद समाप्त हुआ। 20 घंटे से जारी तनाव एसपी की उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद 20 मिनट में समाप्त हो गया। कल शनिवार शाम निजी अस्पताल में गांव जयधर के 18 वर्षीय जिशान की मौत हो गई थी। तब से सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर तनाव बना हुआ था। आज जिशान के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए। स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर अड़े रहे कि जब तक जिशान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो शव को यहां से नहीं ले जाएंगे। इसी बात को लेकर सभी एसपी यमुनानगर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। एसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और करीब 20 मिनट की बातचीत के बाद एसपी ने मामला सुलझा दिया और समुदाय के लोग शांतिपूर्वक शव को गांव ले गए। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। वो बिना सोचे समझे कभी फाइल ही नहीं करूंगा खबर। कांड से हुआ, अब पोस्टमार्टम हो गया है, उसको सभी भाई मिलके एक बार कब्रिस्तान में मिट्टी दे। मेरे आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इन्वेस्टिगेशन इन सभी मामलों में हो ना, आप लोगों के साथ गलत होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑडियो की बात सुन लीजिए, ऑडियो मॉर्निंग में आया था, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करके जो आपके लिए दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से भी ऑडियो आया है, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है कि कोई किसी तरह का तनाव पैदा नहीं करेगा। तो ये उसका हम सबको दुख है कि ऐसे हालात पैदा हुए कि थोड़ी तनाव की स्थिति पैदा होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि सबने संयम रखा है और आपने जो भी बात प्रशासन को कही है हमने उसको तरीके से बिल्कुल सुना है। आपके जो भी नुमाइंदे हैं वो मिलते रहे हैं, लगातार बात होती रही। कल भी मेरे ऑफिस में हम 11 बजे तक बैठे रहे थे और मेरे साथ जितने भी भाई खड़े हैं सारे थे उस मीटिंग में और बड़े अच्छे से चर्चा हुई कि आगे कैसे क्या करना है। ये जो मुस्लिम बच्चे की डेथ हुई है इसका मेरे को ही पूरा अफसोस है। जो इसमें लीगल प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, जैसे ही शिकायत मिली हमने तुरंत से FIR दर्ज कर दी। इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल जो दोषी होगा उसको पक्की सजा मिलेगी। और आपके खिलाफ भी जो केस हुए हैं पहले उसमें भी मेरा 100% आश्वासन है कि किसी के साथ कोई गलत नहीं हुआ। और मेरी कोशिश फिलहाल ये है कि समाज में जो थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ है इसको हम आपसी सहयोग से बातचीत करके बिल्कुल खत्म करें ताकि हालात नॉर्मल हो और सब भाई सुकून से रह पाए। मैं पूरा आश्वस्त करता हूं आपको कि इसकी बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनकी भी पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि बच्चे का जिसका इंतकाल जिस भी कांड से हुआ अब पोस्टमार्टम हो गया है, उसको सभी भाई मिलके एक बार कब्रिस्तान में मिट्टी दे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे जैसे नौजवान साथी काफी खड़े हैं, हमें नहीं पता बात हुई नहीं हुई ये बात करने लगे, तो हमने रिक्वेस्ट किया जनाब यहाँ पे पहुंचे भी है तो इस्लाम धर्म भी यही सिखाता है और मानने का नाम ही मुसलमान है। हमने भाईचारा कायम करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे मोहम्मद साहब ने जो कहा था हमने उसी पे चलना है। हमने जो था ना बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जैसे SP साहब ने कहा है वहां पे कुर्बानी की बात जैसे भाई ने रखी थी तो कुर्बानी जैसे प्रशासन के जब संज्ञान में आई तो वहां पूरा मन शांति से हुआ, प्रशासन शांत वहां रहा, कुर्बानी आराम से होती रही।
कोई शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, लेकिन हमने उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। शरारती तत्वों को अपना आप संज्ञान में है सब प्रशासन के, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन सबके साथ है, इंसाफ होगा। हम भी नहीं चाहते किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो सब भाइयों से, अपने समाज के सभी लोगों से जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शांति के साथ यहाँ से जाएं, कोई रास्ते में नाराबाजी ना करें, इसको आराम से दफनाया जाए, और कोई बात है आराम से बैठ के बात कर लें, कोई बिल्कुल भी कोई ऐसी बात ना करें जो बिल्कुल जो था ना हमारे समाज के खिलाफ हो, कानून से बाहर जाने की कोशिश ना करें।